आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार रात अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक का निमंत्रण स्वीकार कर उसके घर जाकर रात को भोजन किया। इससे पहले सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री की अपने होटल के बाहर तैनात पुलिस अधिकारियों के साथ काफी तीखी बहस भी हुई। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ ऑटो रिक्शा में सवार होकर उसके घर गए और वहाँ रात्रि भोज किया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष दिया और उन्हें अभिनेता करार दिया। ऑटो रिक्शा चालक के घर जाने से पहले केजरीवाल की सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर एक 5 सितारा होटल के बाहर कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पुलिस कर्मियों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। केजरीवाल इसी होटल में ठहरे हुए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपके अभियान के तहत 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आए केजरीवाल ने दोपहर के समय अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा चालकों की एक सभा को संबोधित किया। केजरीवाल के संबोधन के बाद शहर के घाटलोदिया इलाके के रहने वाले विक्रम तंदानी नाम के एक ऑटो रिक्शा चालक ने उनसे अनुरोध किया कि वह उसके घर पर रात को खाना खाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत हाँ में जवाब दे दिया। जब केजरीवाल ने उनसे उन्हें अपने होटल से लेने और अपने ऑटो रिक्शा में अपने घर ले जाने का आग्रह किया तो दंतानी मान गया। आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया और पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव ईशुदान गर्वी भी केजरीवाल के साथ दंतानी के ऑटो रिक्शा में बैठकर उसके घर गए। सुरक्षा प्रोटोकॉल पर बहस के बाद एक पुलिस अधिकारी ऑटो रिक्शा चालक के पास बैठ गया, जबकि पुलिस के 2 वाहन ऑटो रिक्शा के साथ चल रहे थे। केजरीवाल और आपके अन्य नेताओं ने दंतानी के घर में फर्श पर बैठकर खाना खाया। ब्यूरो रिपोर्ट।